बॉलीवुड हॉलीवुड के अद्भुत किरदार निभाने वाले अनुपम खेर का आज 61वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 जून 1981 को अपनी ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग करके मुंबई पहुंचे थे। इसके साथ अनुपम ने अपनी 32 साल की जर्नी को भी शेयर किया। जिस दिन इंसान का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, वो अपनी जिंदगी के बारे में सुबह उठकर रिफ्लेक्ट करता है, उसे क्या जिंदगी से मिला, क्या उसने खोया, क्या उसने पाया। तो मैं 3 जून 1981 को अपने ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग करके मुंबई पहुंचा था बीटी स्टेशन पर, और 3 साल मैंने बहुत से सड़कों की खाक छानी, काम ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन फाइनली मुझे सारांश मिली और 25 मई 1984 को सारांश रिलीज हुई थी। आज मुझे काम करते हुए 32 साल हो गए हैं, 505 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, 505वीं फिल्म की शूटिंग अभी खत्म की है, और मैं ये सोच रहा था कि ये सब सिर्फ काम की वजह से नहीं हुआ, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है, आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है, आप लोगों के हल्के से क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से हुआ है। और मैं अभी भी पूरे जोश के साथ रोज अपना सुबह उठकर काम पे जाता हूँ और आपका प्यार बटोर के जाता हूँ, आपकी मेहनत, आपकी दुआएं साथ लेके जाता हूँ। तो आज वक्त है मेरे बर्थडे पर आप सबका शुक्रिया अदा करने का, आप सबको थैंक यू बोलने का कि आपने इतने सालों में मुझे हमेशा अपने बीच में इज्जत दी है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, और आने वाले 30 सालों में भी मुझे लगता है कि आप इस तरह ही अपना प्यार बरकरार रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी, फॉर टेलिंग मी व्हाट इज राइट एंड फॉर टेलिंग मी दैट वी आर विद यू। सो टुडे ऑन माय बर्थडे आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दें कि अनुपम इन दिनों नाम शबाना की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट पर उनके को स्टार अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, मनोज बाजपेयी ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। बता दें कि अक्षय कुमार और अनुपम खेर का साथ काफी पुराना है और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। अक्षय ने अनुपम के बर्थडे पर ट्वीट करते हुए लिखा, एक टीम जो साथ में खाती है, साथ में रहती है, टीम बेबी से लेकर टीम नाम शबाना तक, हमारे शुक्ला जी को हैप्पी बर्थडे। हम तो यही कहेंगे कि अक्षय और अनुपम जी की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे।